देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के जिला गुरदासपुर के बटाला शहर में पहुंचे केंद्रीय खाद्य मंत्री छोटू राम चौधरी स्वच्छ भारत अभियान का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए स्कूली बच्चों को झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री ने रवाना किया। स्कूली बच्चों के द्वारा पहनी टोपी और टी शर्ट पर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश छिपा हुआ है। पंजाब में सबसे गंदे शहरों में चौथे नंबर पर आए बटाला को साफ सुथरा शहरों में से पहले नंबर का बनाने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री, वहीं सरकारी स्कूल से पहुंचे बच्चे कह रहे हैं कि गर्मी के चलते स्कूल में छुट्टियां हैं, लेकिन उन्हें घरों से जबरदस्ती बुलाया गया है। इस मौके पंजाब पुलिस के जवानों की तरफ से केंद्रीय मंत्री को सलामी देकर नवाजा गया। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज के लिए रशपाल सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल सफल हो रही है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए, किसी बस स्टैंड पे चले जाइए, किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको काफ़ी फर्क नजर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि हथेली में राई उग जाए, हम ये नहीं कहते हैं एक दो साल के अंदर ही पूरा भारत जो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, लेकिन एक मुहिम जो छेड़ी है, एक जो एक अच्छा अभियान चलाया है, उसका पूरे देश में असर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि साधनों की कई बार कमी होती है, उन सब को जुटाया जाए। गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है म्यूनसिपलिटी को, इसीलिए स्मार्ट सिटी वाला लिया है, आपके अमृत सिटी लिए जो 1 लाख से ऊपर वाले हैं, और बाकी नगर पालिकाओं को ये सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी एडजस्ट कर रही है।